नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रशांत राठ के इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में मैं माधुरी दीक्षित का फोटो बनाने वाला था। कल मैं ऐसे ही बैठा था और गाने सुन रहा था, तो मुझे म्यूज़िक में थोड़ा इंटरेस्ट था, तो मैं गाना सुन रहा था, तो मुझे लगा कि हाँ, माधुरी दीक्षित का फोटो बनाने चाहिए। और जो सॉन्ग पसंद है मुझे, बहुत प्यार करते हैं, तो मैं आपके लिए फ्लूट के ऊपर भी बजा के दिखाऊँगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस ट्यूटोरियल में मैंने पूरा वॉइस दिया है, आप पूरा एंड तक देखना। मैंने एंड में 5-6 मिनट का कुछ वॉइस दिया है और डिटेल में एक्सप्लेन किया है। एंडिंग में कुछ पर्सनल एक कंप्यूटर के प्रॉब्लम की वजह से कुछ पार्ट ये हुआ था, रिकॉर्डिंग अच्छे से नहीं हुई थी, तो मैंने वो एंडिंग में एक्सप्लेन किया है, तो आप समझ सकते हैं। डिटेल में सीखना है तो बाकी के भी वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं, उससे भी आपको नॉलेज मिलेगा। इस वीडियो से आप आइडिया लीजिए, और ये वीडियो का और एक पर्पज़ इंटरटेनमेंट भी है, तो आप मज़े लीजिए। सभी चीज़ का पसंद आती है तो ज़रूर से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिए।
तो दोस्तों मैंने यहाँ तक फोटो कंप्लीट किया था और आगे का जो रिकॉर्डिंग था वो कंप्यूटर के कुछ प्रॉब्लम की वजह से रिकॉर्ड नहीं हुआ था, वो फाइल करप्ट हो गई थी। आगे का वर्क मैंने किया था, मैं एक्सप्लेन करूँगा, पर मैं क्या कर रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ आप आशा है कि आप समझ लेंगे। डिटेल में सीखना है तो मेरे प्रीवियस वीडियो है, उसमें कुछ वीडियो में डिटेल में हेयर क्रिएशन के बारे में वगैरह सब एक्सप्लेन किया है, आप उसे भी चेकआउट कीजिए तो आपको मैं कैसे कर रहा हूँ ये समझ आ जाएगा। ओके, तो इसके बाद मैंने क्या किया है, इसको फोटो को एक डिसेंट सा बैकग्राउंड रखा है। आप फोटो को देखेंगे तो फोटो एकदम सिंपल है कि ना पे चेहरे पे ज़्यादा पैच क्रिएट किए हैं, सिंपल स्मज किया है और थोड़ा शार्प कर दिया है, और जो भी डिटेल ऐड करनी थी जैसे आंखों की अंदर की वगैरह, लिप की वगैरह, हाईलाइट वगैरह ऐड करना था तो मैच करने वाला डिसेंट सा एक बैकग्राउंड लिया है और उसके नीचे मैंने ऐड कर दिया है। देखो इस तरह से मैंने डिसेंट बैकग्राउंड रखा है, आप देखेंगे फेस पे ज़्यादा पैच वगैरह नहीं है, तो मैंने बैकग्राउंड पे भी ज़्यादा पैच या ज़्यादा कलरफुल या डिस्को टाइप नहीं रखा है, एकदम सिंपल डिसेंट, ताकि जो भी फोकस है अपने फेस पे आ जाए। ओके, इसके बाद मैंने क्या किया, जो पीछे वाले बाल हैं अभी देखेंगे यहाँ पे एकदम कट टू कट, पेन टूल से करने के बाद कट टू कट दिख रहा है, तो मैंने क्या किया है, इसके बैक के हेयर है जो बाहर निकले होते हैं वो डायरेक्ट ब्रश से मैंने ड्रॉ कर दिया है ऐसे। ओके, तो इसके बाद मैंने क्या किया है, हेयर में डार्क कलर ऐड कर दिया है, आप देखेंगे। और वो किया क्यों है, क्योंकि जब भी स्मज किया है तो यहाँ पे देखेंगे तो हेयर डायरेक्शन तो दिख रहा है पर वो कितना गंदा और कीचड़ टाइप दिख रहा है, तो मैंने क्या किया है उसके ऊपर डार्क कलर ऐड कर दिया है। और उसके ऊपर उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको हाइड करके जहाँ जहाँ हाईलाइट है या जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे किस तरह से हेयर का फ्लो है, उस हेयर फ्लो से मैं उधर के बस हेयर ड्रॉ करूँगा जहाँ पे हाईलाइट है बस वही का। ओके, तो मैंने डार्क कलर ऐड कर दिया है, और जो भी यहाँ से बाहर के जो आउटर हेयर है वो मैंने ड्रॉ कर दिया है थोड़े बहुत, ताकि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पता चलेगा एकदम खिचबिज खिचबिज है, वो अच्छे से कटिंग भी नहीं हुआ था और वो एक हेयर का फ्लो नहीं दिख रहा था, तो मैंने वहाँ पे आउटर हेयर ड्रॉ कर दिया है। ओके, जो भी मिसिंग हेयर था जो स्मज करने में निकल गया था वो मैंने ड्रॉ कर दिया है। ओके, उसके बाद मैंने हेयर के स्ट्रोक ऐड कर दिए, जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे जो फ्लो है बस उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने उसके ऊपर डायरेक्ट ब्रश से मैं ड्रॉ कर दिया है। ओके, आप इसको वो पेन पाथ से भी कर सकते हैं, मैं पेन टेबलेट इस्तेमाल करता हूँ, तो मैंने प्रेशर सेंसिटिविटी और साइज का ऑन रख के मैंने कर दिया है, तो उसका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट वो नैरो हो गया है। और आपके पास पेन टेबलेट नहीं है तो आप डायरेक्ट पेन पाथ से हेयर ड्रॉ करके उसको एज अ स्ट्रोक दे सकते हैं, कैसे देना है ये मेरे पिछले वीडियो आप चेक कीजिए, उसमें एक्सप्लेन किया है मैंने कैसे करना है, ब्रश का वीडियो है देखो। और उसके बाद मैंने हेयर में हल्का सा कलर ऐड कर दिया है, और वो कलर क्यों ऐड कर दिया है आप देखेंगे बैकग्राउंड में जो कलर है थोड़ा सा पर्पल टाइप, तो वही पर्पल टाइप कलर मैंने हेयर में ऐड कर दिया है ताकि थोड़ा मैच हो सके, ऐसा ना लगे कि पीछे ग्रीन है और बाल अलग कलर के हैं तो वो बैकग्राउंड उसके साथ मैच नहीं होगा। तो मैच करने के लिए मैं जो बैकग्राउंड में कलर है ये इस साइड पर देखेंगे तो हल्का सा ग्रीन कलर है, तो मैंने वही ग्रीन कलर अपने बालों में भी डाल दिया है ताकि बैकग्राउंड के साथ अच्छे से मर्ज हो सके और मिक्स हो सके, ऐसा ना लगे कि अलग अलग कट करके उस पे स्टिकर चिपका है। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो मुझे क्या करना है, जो फोकस है वो फेस के ऊपर देना है, तो ये नीचे का पार्ट है उसको थोड़ा एक तो ब्लर करना पड़ेगा नहीं तो उसका सेचुरेशन कम करना पड़ेगा, तो मैंने क्या कर दिया है एक ग्रे कलर लेके उसके ऊपर डाल दिया है, मतलब यही कलर थोड़ा सा कलर कम करके डाल दिया है, ताकि अब देखेंगे तो यहाँ पे फोकस नहीं जाएगा, फोकस जाएगा फेस के ऊपर, तो फेस की ब्यूटी ज़्यादा से ज़्यादा इनहांस होके आपको दिखेगी और अच्छी दिखेगी। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, इसी को थोड़ा सा और, एक मिनट, ओके, इसी को थोड़ा सा और क्लीन कर दिया है, कहीं पे
स्मजिंग रह गया था और नॉइज़ दिख रहा था, तो मैंने वो थोड़ा बहुत कर दिया है। हालांकि और थोड़ा बहुत कहीं पे है, पर दूर से देखने के बाद वो दिखता नहीं है। ओके, इसके बाद मैंने क्या किया है, उसके और थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा पर्पल कलर ऐड कर दिया है, यहाँ से पे सॉरी यहाँ पे पिंक टाइप और यहाँ पे थोड़ा सा पर्पल टाइप कलर ऐड कर दिया है, ताकि वो ड्रेस कलरफुल है तो थोड़ा सा मैं चाहता था कि बैकग्राउंड भी उस तरह से थोड़ा सा कलरफुल हो, ना कि ज़्यादा। तो मैंने हल्का सा यहाँ पे आप देखेंगे तो डिफरेंस आप देख सकते हैं, मैंने हल्का कलर ऐड कर दिया है। तो अच्छा, इसके बाद मैंने अपना प्रशांत आर्ट का लोगो डाल दिया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से फोटो दिख रहा है। मैंने फोटो को सिंपल डिसेंट रखा है, और मैं ट्राई करता हूँ कभी भी फोटो को ज़्यादा पेंटिंग टाइप या ज़्यादा डिस्को टाइप या ज़्यादा पैच वर्क करने से, मुझे पर्सनली ये डिसेंट वर्क अच्छा लगता है, तो मैं डिसेंट वर्क करता हूँ। अगर आपको अच्छा ज़्यादा पैच वर्क और ज़्यादा एकदम एक्सट्रीम कलरफुल वाला पसंद है तो आप उसे कीजिए। मैं ऐसा करता हूँ डिसेंट, इसका मतलब आप भी ना करें, आपका जो मन चाहे जैसा आप करना चाहते हैं वैसा कीजिए, और अच्छे से क्लीन अप कीजिए, फोटो जरूर से अच्छा दिखेगा। ओके, आशा करता हूँ आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछिए, मैं उसका आंसर हर एक कमेंट का आंसर देता हूँ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आ रही है और तो मुझे मोटिवेट करते रहिए, और वीडियो को लाइक कीजिए। जिन लोगों को इस आर्ट में इंटरेस्ट है, फोटो टू आर्ट या डिजिटल पेंटिंग, स्मज पेंटिंग में, तो उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।